दोस्तों, अगर किसी पक्षी का चोंच टूट जाए तो वह भूखा मर जाएगा, क्योंकि वह बिना चोंच के कुछ खा नहीं सकता। लेकिन ईगल एकमात्र ऐसा पक्षी है जो कि अपनी चोंच खुद ही तोड़ देता है, ये जानते हुए भी कि ये बिना चोंच के भूखा मर सकता है, फिर भी वो अपनी चोंच क्यों तोड़ देता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। एक ईगल 320 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है और ये अपनी नुकीली चोंच से बड़े बड़े शिकार को चीर फाड़ देता है। लेकिन जब एक ईगल की उम्र 30 से 40 साल हो जाती है तब इनके पंख भारी हो चुके होते हैं और चोंच की शार्पनेस भी कम हो जाती है। इसलिए ईगल ना ही ढंग से उड़ पाता है और ना ही ढंग से शिकार कर पाता है और ईगल की मरने की नौबत आ जाती है। तब उसके बाद ईगल किसी ऊंची चट्टान पर चला जाता है और पत्थर से मार मारकर अपनी चोंच को तोड़ देता है और 3 से 4 महीने भूखा रहने के बाद इनके नए चोंच उभर आते हैं। फिर ये नए चोंच की मदद से पुराने पंख को उखाड़ फेंकते हैं और फिर 2 से 3 महीने के बाद इनके नए पंख उगाते हैं। 6 से 7 महीने इस दर्द भरे प्रोसेस से गुजरने के बाद ईगल आसमान में फिर से राज करने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे दोस्तों, आपका फेवरेट बर्ड कौन सा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।